सिरोंज में बिजली विभाग की लापरवाही नागरिकों पर भारी पड़ सकती है। यहां पर वार्ड क्रमांक 8 में बिजली का पोल कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। हालांकि उक्त मामले की शिकायत वार्ड वासियों ने कई बार विभागीय अधिकारियों से की है, परंतु बिजली विभाग में अभी तक मामले को गंभीरता से नहीं लिया है। आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 8 नयापुरा और रकाबगंज के मुख्य मार्ग पर एक बिजली का पोल जमीन से उखाड़ कर सड़क पर लटका हुआ है। वार्डवासियों का कहना है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों ने आकर उक्त गिरते हुए पोल को पत्थरों और रस्सियों के सहारे बांध दिया, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं होने के कारण ये कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। क्या परेशानी है? अब 2 साल हो गई जैसे खंभे को 4-6 मरतबा हम दरखास्त भी दे चुके हैं, हटा ही नहीं रहे। किसानी मोहल्ला है जी, जहाँ से परेशानी अभी आए रस्ते से बांध के चलेगा जी, यहाँ पे वो दूसरे का मकान और गिरा जा रहा था, वो इसके बाद में फिर वो पत्थर लगा दिए, वो पत्थर रोज से रुका हुआ है, 2 बार तो वो आड़ा हो गया, उसे सीधा करके रस्से से बांध के चले जाते हैं। एक बार देख भी गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं है उस पर, आई नहीं रहे जी, न करने के, हाँ आज कर देंगे कल कर देंगे, 2 सालें हो गई इसे। ये वार्ड नंबर 8 में नयापुरा और रकाबगंज के बीच में मुख्य गली जो है उस पर एक खंभा करीब 2 साल से टेढ़ा हो गया है, जो लगभग 5 से 6 फीट रोड पे आ गया है। ये किसानी काश्तकारी का मोहल्ला है, यहाँ 24 घंटे ट्रालियों का आवागमन होता है, जीप मोटरसाइकिल वगैरह निकलती हैं, और कई बार ऐसा हुआ है कि ट्राली ट्रैक्टर इससे अड़ गए हैं, और इसकी वजह से किसी भी बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है। कभी भी कोई ऐसा मामला बन सकता है जिससे जान हान की हानि हो सकती है। कई बार ने वार्ड वासियों ने, हम लोगों ने, मैंने खुद स्वयं कई बार जाके विद्युत मंडल में वहाँ के आला अधिकारियों से शिकायत की, मौखिक रूप से भी लिखित रूप से भी, और वो लोग आए भी, सर्वे भी किया, लेकिन बस सिर्फ आश्वासन, आज करवा देंगे, कल करवा देंगे, परसों करवा देंगे, और 2 साल से लगभग यही समस्या बनी हुई है। मेरे ये चाचा का घर बना हुआ है, इसके ऊपर जो है पूरी केबल का लोड डला हुआ है, ये भी कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है, टूट सकता है, और किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आला अधिकारियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हादसे का इंतज़ार ना करते हुए इसको तत्काल सुधार कर दिया जाए, जिससे कि जानहानि की हानि होने से बचे। आपका कहना है कि लगातार शिकायतें करने के बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो अब आपके किस कंडीशन में है, क्या करें? हम लोग ये सोच रहे हैं कि अगर ये किसी भी प्रकार से हमारी और सुनवाई नहीं होती है तो 10-25 लोग हम एक बार जो है SDM महोदय से इसकी शिकायत करेंगे, अगर वहाँ भी हमारा निदान नहीं होता है तो और ऊपर जाएंगे, और नहीं होता है तो भैया फिर खुद लगाएंगे, सब लोग चंदा करके इकट्ठा करके, क्या करें? चुनावी माहौल है, ऐसे में अधिकारी बात नहीं मान रहे हैं, कैसे देखते हैं? अब चुनावी माहौल का तो ये हाल है कि हम तो ये नयापुरे के वासी हैं, यहाँ पे नालियों की ये कंडीशन है कि हम तो ये चाहते हैं कि इसका नाम नालीपुरा कर दिया जाए। ये तो एक लाइट वाली समस्या है, यहाँ नालियों की भी बड़ी समस्या है, अधिकारी हों या जनप्रतिनिधि हों, सिर्फ चुनावी वायदा, चुनावी ढकोसला करने आते हैं, इसके बाद पलट के कोई नहीं देखता। और अब चुनावी साल होने के बाद भी इतनी बड़ी समस्या पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो कितनी गंभीरता है। तो अब इसके लिए तो आपके चैनल के माध्यम से ही जो है हम लोग वार्डवासी न्याय की उम्मीद करेंगे। स्थानीय भाजपा नेता कवि गौरी ने बताया कि उक्त क्षेत्र कृषि और किसानों से संबंधित है, आए दिन यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली या और बड़े वाहनों का आवागमन होता रहता है, जिससे वाहन चालकों को काफ़ी सावधानी पूर्वक यहाँ से गुजरना पड़ता है। बिजली विभाग की लापरवाही इतनी ही नहीं है, बल्कि इसी मार्ग पर जर्जर इमारतों पर बिजली की केबल लटकी हुई है, साफ तौर पर तस्वीरों में दिखाई दे रही है। साथ ही सड़क और केबलों की ऊंचाई भी बहुत कम है, जिससे बड़े वाहन केबलों से टकराते हुए निकलते रहते हैं, जो बड़े हादसे को निमंत्रण दे रहा है। सिरोंज से मोहम्मद फरहान की रिपोर्ट।